हेलो फ्रेंड्स, तो आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ को नहीं भी मालूम होगा कि एसएससी ने फेज 11 2023 की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दी हुई है। तो इसमें से जो भी चीज़ें ध्यान रखने लायक है अभी हम वो सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेट ऑफ सबमिशन यानी कि 6 मार्च से जो फॉर्म फिल होना वो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट क्या है, 27 मार्च 2023। आपको 27 मार्च का वेट नहीं करना है क्योंकि लास्ट की जो डेट्स होती हैं उस टाइम एसएससी की साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, जिसके कारण बहुत से बच्चे जो फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो 27 मार्च से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर लेना। अभी बाकी जो भी चीज़ें ध्यान रखने का हम सभी वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जून जुलाई 2023, यानी कि टेंटेटिव डेट दी हुई है जून या जुलाई में एग्ज़ाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जून जुलाई इन्होंने एसएससी ने बताया, तो मोस्ट प्रोबेबली है जो कि एग्ज़ाम वो है जून जुलाई में हो जाएगा। लेकिन आप लास्ट डेट का रखना कि 27 मार्च लास्ट डेट है। अभी बाकी जो भी जरूरी चीज़ें हैं बाकी हम वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अभी एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। जो भी जनरल की इसमें एज बताई गई होती है उससे वो अपर एज को मान के चलते हैं। उसके अलावा जो है कैटेगरी के बच्चों को एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसे SC ST के लिए 5 साल की अपर एज लिमिट दी गई हुई है, OBC के लिए 3 साल की, PWD के लिए 10 साल की, PWD प्लस OBC हैं तो आप तो 13 साल की आपको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, और PWD प्लस SC ST हैं तो आपको 15 साल की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। बाकी सभी आप अगर किसी इनके अलावा किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी एज देख सकते हैं कि आपको कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। चलिए, जो ज़रूरी था वो मैंने बता दिया, बाकी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जानने लायक हैं। ये एग्ज़ाम 3 लेवल पे होगा, यानी कि आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल पे एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 10th+2 और ग्रेजुएशन लेवल पे इसमें पोस्टें निकली हुई हैं, तो आप 10th लेवल पे एक पोस्ट यानी कि किसी भी रीज़न से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक रीज़न यानी कि एक पोस्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी रीज़न में अप्लाई करें। यानी कि अगर 10th लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ किसी भी रीज़न में अलग अलग अप्लाई ना करें, एक बार ही अप्लाई करें। अभी आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं तो आपको जो भी नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर होगा उस हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं फॉर्म फिल करते टाइम। एग्ज़ाम सेंटर के ही देख लें, आपको जो जो भी वीडियो पोस्ट करके के आप देख सकते हैं कि आपके नियरेस्ट सेंटर कौन कौन से हैं। अभी देख लेते हैं पेपर पैटर्न, इन्होंने बताया इस बार SSC ने इस पेपर में कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है, यानी कि वही 4 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज। 25 क्वेश्चन ईच आएंगे, 50-50 मार्क्स के होंगे सभी, और नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स की होगी, यानी कि अगर 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और 60 मिनट ड्यूरेशन होगी इसकी एग्ज़ाम की, तो 60 मिनट में आपको एग्ज़ाम ख़त्म करना होगा। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बताई गई है कि जो भी SSC की नॉर्म्स है उसके हिसाब से जब भी शिफ्टें जितनी भी शिफ्टें होंगी उन हिसाब की नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। मैक्सिमम देखा गया कि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं, बहुत कम होता है कि बच्चों के मार्क्स कम हो जाएं। यदि आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है और आप आंसर के लिए जो उनके बाद उस पर क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन गलत, तो आप SSC की वेबसाइट पे उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं, और आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन फीस पे करनी होगी यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है और इसमें चेंजेस होने चाहिए। अब ये सिलेबस है मैट्रिक लेवल पे, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं कि आपका क्या क्या सिलेबस है। यदि आप मैट्रिक लेवल अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका सिलेबस रहेगा, और यदि आप +2 लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब का सिलेबस में इंक्लूड होंगे, और यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये सभी आपका सिलेबस में इंक्लूड होंगे टॉपिक्स। आप वीडियो पोस्ट करके इन सभी टॉपिक्स पे एक बार नज़र जरूर दे लेना जिस भी आप पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। एडमिशन एग्जामिनेशन अभी बाकी देख लेते हैं इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने जाएं तो एक ID प्रूफ ले जाएं जिसमें कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ दी गई हो। अगर आप कोई भी ऐसा ID प्रूफ जिसमें आपकी पूरी फुल डेट ऑफ बर्थ लिखी हो वही लेके जाएं, नहीं तो आपको एंट्री एग्ज़ाम सेंटर में नहीं मिलेगी। अभी ये जैसे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। 19.4 जो है
कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन सेम रीजन अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट रीजन्स अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी लैंड ग्रेजुएशन एंड अबव इन द सेम और डिफरेंट रीजन्स आर कॉल्ड कॉमन कैंडिडेट्स। इनका कहने का सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आप एक लेवल पे एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अलग अलग रीजन में एक ही पोस्ट एक ही लेवल पर अप्लाई करते हैं तो आपका जो कैंडिडेट है वो कॉमन माना जाएगा और आप एक ही एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी के लिए आपका कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मेट्रिकुलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रीजन कोई भी हो, नॉर्दर्न रीजन हो, सेंट्रल रीजन हो, लेकिन आप एक लेवल पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आप तीन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी देखते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतने कि आप में मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 30% क्वालिफाइंग एरिया है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और अदर कैटेगरीज के लिए 20% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। बाकी जो 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 चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। यदि आपके स्कोर्स टाई होते हैं तो टोटल मार्क्स जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में अगर आपके स्कोर टाई होते हैं तो उसके बाद क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे। मैक्सिमम बच्चों के इतने सारे बच्चे होते हैं, जैसे अभी एमटीएस में देख लिए 54 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, तो उनमें से मैक्सिमम के स्कोर टाई होंगे, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। मार्क्स इन पार्ट ए के पार्ट ए में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर उसमें भी आपके मार्क्स टाई होते हैं तो पार्ट बी में देखा जाएगा, जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर भी टाई होता है तो डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो एज में बड़ा होगा उसके प्रेफर दी जाएगी। यदि आपकी एज भी मैच होती है तो आपके नाम जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे जो पहले आएगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अभी बाकी जो जो जरूरी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते। अब आ गया टाइप्स ऑफ माल प्रैक्टिस। यदि आप एग्ज़ाम में किसी भी तरह की चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आपकी चीटिंग के हिसाब से कि आपकी चीटिंग किस टाइप की, उस हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड की आपको सज़ा हो सकती है या आपको जुर्माना भी हो सकता है। इन सब चीज़ों से आपको दूर ही रहना है। अब जो जो चीज़ें ज़रूरी है हम उन्हीं पे ध्यान देंगे और वही डिस्कस करेंगे। बाकी यदि आपको पूरी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ssc.nic.in पर जाके वहाँ से आप पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आपको उसे रीड कर सकते हैं। जो जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आप डिस्कस कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अप्लाई वाले पोर्शन में जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ज़रा भी नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी नियरेस्ट साइबर कैफे में जाके वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ओल्ड कैंडिडेट है तो आपको सीधा लॉगिन करना है वेबसाइट पे और अप्लाई वाले पोर्शन पे आपको फेज़ 11 की जो नोटिफिकेशन दिख जाएगी वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी बाकी जो जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको अभी भी डाउट रहता है किसी चीज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पक्का 100% ट्राई करूँगा कि आपके सभी के डाउट जो हैं वो सॉल्व कर पाऊँ। ये फ़ोटो अपलोड करते समय पूरा ध्यान रखें, ये ओके अलाउ जो लिखा हुआ है इसी तरह के फ़ोटो स्पेसिमेन आपको अपलोड करना है। कैंडिडेट भूल कर भी चश्मे में फ़ोटो अपलोड ना करें, आपका कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हो जाएगा वो कैंडिडेचर उसी समय, क्योंकि एसएससी जो है चश्मे के समय साथ जो फ़ोटो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ये देखिए इस तरह से आपको किसी भी तरह से फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, जो सिर्फ ओके अलाउ जो फर्स्ट नंबर पे है उसी की तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो चलिए अब हम फीस की बात कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी को बिलोंग करते हैं उन्हें 100 रुपीज़ फ़ीस पे करनी होगी और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि उन्हें इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए कोई फ़ीस पे नहीं करनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं पोस्ट डिटेल्स क्या क्या हैं इसकी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट हैं, जो भी आपको पोस्ट अच्छी लगती है आप उसे फिल कर सकते हैं। पोस्ट ऐसे दिखाना मुश्किल होगा क्योंकि पेज बड़ा है, तो आपको यदि फुल डिटेल चाहिए तो आप ssc.nic.in की वेबसाइट से पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे देखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आप इन पोस्ट के बारे में देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी NR रीजन में निकली हुई है, टोटल 5000 समथिंग वैकेंसी है, उसमें से आधी लगभग आधी से ज़्यादा वैकेंसी जो है NR रीजन में है।
तो मोस्ट प्रोबेबली NR रीजन के लिए ही अप्लाई करना। आप जैसे कि पहले भी बताया था कि यदि आप 10th पास हैं तो आप मेट्रिकुलेशन की यानी कि एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप +2 पास हैं तो मेट्रिकुलेशन और +2 दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएशन लेवल, +2 लेवल और 10th लेवल तीन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की यदि पोस्ट डिटेल देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ही पोस्ट डिटेल दे सकते हैं। अलग डिपार्टमेंट्स में किस डिपार्टमेंट में कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी कौन सी कैटेगरी है उसमें किस डिपार्टमेंट ज़्यादा पोस्ट है उस हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपको अब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट का जवाब दे सकूँ। और जब आप अपनी आईडी लॉगिन कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे ऊपर आपको फेज़ 11 की नोटिफिकेशन दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन के आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फॉर्मेट पूरी नोटिफिकेशन का मिल जाएगा। और इसके सामने देखिए एक पोस्ट डिटेल है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आपको रीजन सेलेक्ट करना है और एग्जामिनेशन नेम सेलेक्ट करना है, यानी कि फेज 11 सिलेक्शन पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सारी पोस्ट जिस रीजन की आप सिलेक्ट करेंगे उस रीजन की आपको सारी पोस्ट दिखाई पड़ेंगी। तो अप्लाई करने से पहले पोस्ट डिटेल जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो जो आपका एलिजिबिलिटी है यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से आप पोस्ट सेलेक्ट करके अप्लाई करें। थैंक यू। एंड अभी भी आपको यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।